Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग National Institute of Open Schooling का secondary course Social Science Book 2 का Module 3 Democracy at Work Lesson 21 Political Parties and Pressure Groups जो कि सिर्फ इसका चैप्टर है, आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर अप नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर पॉलिसीज। यू हैव रीड दैट देयर आर अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट द नेशनल एज वेल एज द स्टेट लेवल्स। एवरी पॉलिटिकल पार्टी प्रोनाउंसेस इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एज कमिटमेंट टू द इलेक्टोरेट। These are normally included in a document known as manifesto. As you may be aware, manifestos are published by political parties during elections. We may discuss the major policies of the following political parties. तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि यहाँ पे हमारे इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो नेशनल लेवल पे भी है, साथ में स्टेट लेवल्स पे भी है। एंड जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को इलेक्टोरेट को कमिट करके देते हैं कि मेरे ये पॉलिसीज होंगे, ये प्रोग्राम्स होंगे जिसको हम लोग इलेक्शन के बाद फुलफिल करने वाले हैं। एंड ये जितने भी चीजें होती है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसे हम लोग मैनिफेस्टो बोलते हैं। एंड आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैनिफेस्टो क्या है। मैनिफेस्टोस एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा पब्लिश किए हुए डॉक्यूमेंट है जो कि इलेक्शंस के दौरान भी किए जाते हैं। एंड चलिए हम लोग मेजर पॉलिसीज, पॉलिटिकल पार्टीज के मेजर पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं। The Indian National Congress, founded in Bombay in 1885, the Indian National Congress, now the Congress, played a leading role in India's freedom struggle. After independence, the Congress emerged as the leading party of governance and ruled at the center and in almost all the states till 1967. The first two decades in India's political history were dominated by the Congress and the period came to be described as the Congress system. The dominance of the Congress decreased gradually. Now it depended on coalition of political parties to come to power in the center. The Congress is committed to democracy, secularism and socialism. It is in a way a centrist political party. While it champions the policy of liberalization, privatization, globalization called LPG on the one hand, it also works for the welfare of the weaker sections of society. It advocates both agrarian based Indian economy and industrialization. It seeks to strengthen grassroots institutions at the local level and claims to play a vital role in international institutions, especially in the United Nations. तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में 1885 ईस्वी में की गई थी, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला जाता था एंड अब सिंपली से कांग्रेस के नाम से हम लोग जानते हैं। एंड ये भारत की आजादी के संघर्ष में इसका बहुत बड़ा रोल था इस हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का। इंडिपेंडेंस के बाद जो कांग्रेस है वो एक किस रूप में मर्ज होता है, तो एक लीडिंग पार्टी, जो भी गवर्नेंस का जो लीडिंग पार्टी था वो हमारा कांग्रेस था। एंड ये सेंट्रल लेवल पे तो रूल कर ही रहा था एंड ऑलमोस्ट जो भी इंडिया के स्टेट थे वहां पे भी इसका बहुत बड़ा मतलब कि इसका बहुत बड़ा रोल था। एंड ये सारे ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में ये रूल भी कर रहा था और कब तक किया, 1967 तक। एंड जो फर्स्ट टू डिकेड्स इंडिया पॉलिटिकल हिस्ट्री का जो कि डोमिनेट किया गया था कांग्रेस के द्वारा, एंड इस पीरियड को हम लोग कांग्रेस सिस्टम के नाम से जानते हैं। फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जिसमें कांग्रेस की जो डोमिनेंसी है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करना स्टार्ट करती है, मींस घटना स्टार्ट होता है। एंड जो भी पार्टीज थे वो सेंटर में आया तो वो कॉलिशन करके, मींस दो या दो से अधिक दल वाले आपस में मिलकर के पार्टीज
बनाते थे एंड वो सेंटर पे आने लगे. एंड जो कांग्रेस है उसमें डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म ये सब था. एंड हम लोग देखे कि एक एक तरीके से ये सेंट्रिस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन चुका था. एंड इसमें लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन था, जैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी बोलेंगे. ठीक है, एलपीजी किसे बोलेंगे, वो जिससे खाना बनता वो वाला गैस सिलेंडर नहीं है. यहाँ पे ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीज मिल गया एंड इसका शॉर्ट फॉर्म निकला एलपीजी. एंड ये जो कांग्रेस था वो जो भी सोसाइटी के वीकर सेक्शन थे उनके वेलफेयर के लिए भी काम कर रहा था. एंड जो भी इंडियन इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन था इसके ऊपर भी ये लोग फोकस कर रहे थे. एंड उन्होंने जो भी इंस्टीट्यूशंस के, जो भी लोकल लेवल है उनके इंस्टीट्यूशन के, ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन जो हो गए इसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था. ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी था इनका, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस में. द भारतीय जनता पार्टी फाउंडेड इन 1980 After distancing itself from the Janata Party, the Bharatiya Janata Party is the new incarnation of its erstwhile formation, Bharatiya Jana Sangh (BJS). BJP is an important political party both at the central as well as in some of the states. The BJP stands for nationalism and national integration, democracy, positive secularism, Gandhism, socialism. Value-based politics. Title to vote Sri Right in the initial stages, the BJP is as centrist as is the Congress now. The party has formed governments in a number of states such as Bihar, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Karnataka and Uttarakhand. The party is trying to expand its base in South and Northeast India. जो भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी एंड जो पहले से जनता पार्टी थी उससे ये टूट करके बनी है. एंड जो भारतीय जनता पार्टी एक नया इंकार्नेशन था, हमारा नया फॉर्मेशन था जनता पार्टी से. एंड एक भारतीय जनसंघ है BJS है. बीजेपी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है अब सेंट्रल लेवल पे एज वेल एज कुछ स्टेट्स में भी ये डोमिनेट कर रही है. एंड बीजेपी में क्या क्या चीजें, नेशनलिज्म और नेशनल इंटीग्रेशन इंक्लूडेड है, डेमोक्रेसी है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, गांधी एंड सोशलिज्म है, मींस गांधी जी के विचारों से रिलेटेड है, एंड वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स है. ये सारी चीज हमारे बीजेपी में देखने को मिलती है. एंड हम लोग इसके इनिशियल स्टेजेस पे जाए तो जो बीजेपी थी वो एक सेंट्रिस्ट थी एंड जो कांग्रेस जो की है कांग्रेस थी, उसके बाद बीजेपी सेंट्र में आ चुकी है. एंड जो पार्टी है उसने गवर्नमेंट फॉर्मेशन किया बहुत सारे स्टेट्स में जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका एंड उत्तराखंड. एंड जो पार्टी वो अपना लगातार एक्सपेंशन करने की सोच रही है एंड इसने अपना जो बेस है वो साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी फैलाने की कोशिश कर रही है पार्टी. द कम्युनिस्ट पार्टीज, the major communist parties in India are the Communist Party of India (CPI) founded in 1925 and the Communist Party of India (Marxist CPIM) which came into being after the split in the Communist Party of India in 1964. Over the years, the CPIM became relatively more powerful than the CPI. The CPIM and the CPI had been in power in West Bengal, Kerala and Tripura. The Communist parties are workers and peasants and parties. Based on the ideology of Marxism and Leninism, the Communist Party stands for socialism, socialist ownership of industries, agrarian reforms, rural upliftment, and a self-reliant economy. They are opposed to capitalism, imperialism, and globalization. जो मेजर कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया का वह है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी. एंड ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है CPIM, ये इसका जो फॉर्मेशन हुआ है तो ये अपने कम्युनिस्ट पार्टी से इसका इसने स्प्लिट किया, मीन्स ये वहां से टूट करके एक नए पार्टी का निर्माण करता है वो बन जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. एंड ये इफेक्ट में 1964 में आता है. एंड साल दर साल जो CPIM है वो CPI से रिलेटिवली मोर पावरफुल बन गया, मीन्स जो नया पार्टी बना वो पुराने वाले पार्टी से ज्यादा ताकतवर बन चुका है. CPIM एंड जो CPI है वो वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा में पावर में है. ये जो कम्युनिस्ट पार्टीज है इसमें इसको कौन सा पार्टीज बोलेंगे, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टीज.
और ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के आइडियोलॉजी पे बेस्ड है ये पार्टी। एंड ये जो कम्युनिस्ट पार्टीज है वो सोशलिज्म, सोशलिस्ट ऑनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीगेनियन रिफॉर्म्स, रूरल अपलिफ्टमेंट एंड सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, इन सब चीजों पे बेस्ड है। एंड ये अपोज करता है कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन को, मीन्स ये तीन चीजों को अपोज करता है। एंड वेयर एज ये सपोर्ट करता है किस चीज को, सोशलिज्म, सोशलिस्ट ऑनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स, रूरल अपलिफ्टमेंट एंड अ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। द बहुजन समाज पार्टी फाउंडेड इन 1984 बाय कंसीरा। द बहुजन समाज पार्टी बीएसपी क्लेम्स टू बी द पार्टी ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, स्पेशली द पुअर, द लैंडलेस, द अनएम्प्लॉयड एंड द दलित्स हु कॉन्स्टिट्यूट द मेजोरिटी इन द इंडियन पॉपुलेशन। इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, ज्योतिबा फूले, रामास्वामी नायकर एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। MS Mayawati is leading the party at present. The BSP works on the principle of Sarvajan Hitaye, Sarvajan Sukhaye, welfare and happiness for all. It formed the government in Uttar Pradesh for two terms, once as an alliance with the BJP and later as an independent ruling party in the state. So, the Bahujan Samaj Party, BSP है, इसका फाउंडेशन 1984 में कंसी राम के द्वारा किया गया था। एंड जो हमारा बहुजन समाज पार्टी BSP है, ये क्लेम करता है कि ये जो पार्टी है वो डिप्राइव्ड सेक्शंस, मींस जो सेक्शंस के कमजोर वर्ग के लोग हैं, जैसे इंडियन सोसाइटी में स्पेशली जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास नौकरियां नहीं है, एंड जो दलित वर्ग से आते हैं, जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन में एक मेजोरिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये पार्टी क्लेम करता है कि ये उनकी पार्टी है। और इसमें जितने भी इंस्पिरेशन इस पार्टी के है वो है साहू महाराज की टीचिंग से, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जितने भी ये लोग हैं इनके टीचिंग से ये पार्टी इंस्पायर्ड है। MS Mayawati है वो एक लीडर है इस पार्टी की प्रेजेंट में। एंड जो बीएसपी है वो प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इट मींस वेलफेयर एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। एंड ये जो गवर्नमेंट है ये उत्तर प्रदेश में दो बार बना है, एक बार बीजेपी से अलायंस करके एंड बाद में ये इंडिपेंडेंट रूलिंग पार्टी उस स्टेट में बन गया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इज अ ब्रेक अवे ग्रुप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। द ट्रियो हु फॉर्म द पार्टी इन 1999 इंक्लूडेड शरद पवार, P.A. Sangma and Tariq Anwar. The party's policies are more or less same as that of the Congress. It has major support base in Maharashtra. It has been a coalition partner of the Congress-led UPA since 2004. जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है उससे टूटा हुआ ये ग्रुप है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है। एंड इसको इसका निर्माण करने वाले तीन लोग हैं 1999 में, जिसमें शरद पवार थे, पीए संगमा थे एंड तारिक अनवर थे। एंड ये जो पार्टीज के जो भी पॉलिसीज है वो ज्यादा या कम जो भी चीजें पॉलिसीज वो कांग्रेस से मिलती जुलती है। एंड इसका जो मेजर सपोर्ट बेस है वो महाराष्ट्र है। एंड इसका इसने अपना जो इसका कॉलिशन पार्टनर है वो कांग्रेस है, जो कि लेड किया गया है यूपीए के द्वारा 2004 से। राष्ट्रीय जनता दल RJD is another party which came into existence after disintegration of the Janata Dal in 1997. The party was formed by Lalu Prasad Yadav. The party stands for socialist programs and social justice for the backward caste and minorities. It had been in power in Bihar for nearly a decade. It was also a coalition partner of the Congress-led UPA in 2004. तो जो राष्ट्रीय जनता दल RJD है वो एक अनदर पार्टी है जो कि एग्जिस्टेंस में आया जब जनता दल 1997 में उसका डिसइंटीग्रेशन मोमेंट वो टूटा। एंड ये जो पार्टी है उसका निर्माण लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया है। पार्टी में किसके लिए स्टैंड करता है, तो जो भी सोशलिस्ट प्रोग्राम्स है, सोशल जस्टिस है, जो भी बैकवर्ड कास्ट है या फिर माइनॉरिटीज है जिनका, उनके लिए पार्टीज उनको सपोर्ट करता है। एंड ये बिहार में करीब एक डिकेड तक ये पावर में रहा। एंड इसका कोलिशन पार्टनर था कांग्रेस, जो कि यूपीए के द्वारा लेड किया गया था 2004 में। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज,
Regional political parties have emerged to fulfill regional aspirations. They became quite popular in their respective states, that they have even begun dominating state politics and capturing power in their respective states. Their enhanced political positions help the national political parties form coalition governments at the center. It is because of the regional political parties that our party system has been federalized. The center has begun to address their problems and respond their aspirations through accommodation. The evolving nature of our party system has strengthened the cooperative trends of our federal system. तो ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, ये इमर्ज हुआ था रीजनल एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए. मीन्स एक क्षेत्र में जिसके भी जो भी इंटरेस्ट है, जिनके जो भी एस्पिरेशंस है, उनको फुलफिल करने के लिए रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन हुआ था. एंड ये पॉपुलर हुए अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में जहां से इनका इमर्ज हुआ था. एंड ये डोमिनेट हो गया स्टेट पॉलिटिक्स में. मीन्स ये स्टेट के पॉलिटिक्स में इनका डोमिनेशन चलने लगा. एंड ये पावर को भी कैप्चर करने लगे अपने अपने स्टेट्स में. इन्होंने अपने पॉलिटिकल पोजीशंस को इनहेंस किया नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की हेल्प से और गवर्नमेंट्स के कोलिशन से सेंट्रल लेवल पे. एंड ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, ये हमारा जो पार्टी सिस्टम है, इसमें ये फेडरलाइज्ड है. एंड आप फेडरलाइजेशन का मतलब हम लोग पहले ही पढ़ चुके, आप लोग पढ़े होंगे, मैंने पढ़ा रखा है. सेंटर जो है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स या फिर कोई भी एस्पिरेशन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, ये सेंटर को भी हेल्प करता है. एंड ये इवॉल्विंग नेचर है इस पार्टी का. एंड ये जो आवर पार्टी सिस्टम है, इसने फेडरल सिस्टम में कोऑपरेटिव फ्रेंड्स को स्ट्रेंथन किया है. मीन्स किस तरह से जो लोग है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के, वो किस तरह से कोऑपरेट करेंगे सेंटर वालों को. Registered unrecognized parties. A large number of political parties are registered at the election commission without having been recognized as national or state parties. तो यहाँ पे अभी हम लोग इतने parties के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा जो registered unrecognized parties है, ये कुछ अलग ही है. इसमें क्या होता है कि जो election commission है, वहाँ पे large number of political parties registered है, लेकिन इनको कोई भी recognition नहीं मिला है कि national level पे है या फिर state parties है. You may be surprised to know that in 2009, 363 parties contested elections. Some independents were also in the field. Most of the political parties were registered unrecognized parties. The classifications of political parties in 2009 may be as under. National Party 7, Congress, BJP, CPM, CPI, BSP, Nationalist Congress Party and Rashtriya Janata Dal. State parties 34 and registered unrecognized party was 322. Means it is largest number. आप लोग सरप्राइज हो जाओगे कि 2009 में थे वहां पे 363 पार्टीज इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट कर रहे थे 2009 में. एंड कुछ इंडिपेंडेंस थे फिल्स में. एंड जो मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज थे वो रजिस्टर्ड थे, मीन्स अनरिकॉग्नाइज पार्टीज थे. एंड जो क्लासिफिकेशन है पॉलिटिकल पार्टीज का 2009 में किया गया, कुछ इस तरह से किया गया. नेशनल पार्टीज को जो पहचान मिले थे वो 7 थे, कांग्रेस थे, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, बीएसपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो गया एंड राष्ट्रीय जनता दल. स्टेट पार्टीज 34 थी एंड जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टीज थे वो 322 इन नंबर थी. सोच लीजिए कितनी बड़ी संख्या है इस पार्टीज की. नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 21.3. पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर interest groups. You might have seen demonstration, dharnas and such like activities in your locality, city or state by students, farmers, workers, etc. Some of these activities you might have observed are carried by organized groups like students union, farmers union, trade union, business association, teachers associations, etc. In general, these groups try to press upon the government for formulation of policies or enactment of laws according to their interest. Yet they themselves to do not contest elections, therefore you will agree that they are not political parties. तो आप लोगों ने अपने लोकैलिटी में, अपने सिटी या स्टेट में देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, धरनास दे रहे हैं. एंड ये जो चीजें हैं, ये जो एक्टिविटीज है, वो स्टूडेंट्स के द्वारा मोस्टली किए जाते हैं, विद्यार्थियों के द्वारा, किसानों के द्वारा एंड जो वर्कर सेक्शन है उनके द्वारा.
एंड इसमें से जो कुछ एक्टिविटीज होते हैं वो ऑब्जर्व आपने किया होगा, एंड ये ऑर्गेनाइज ग्रुप्स के द्वारा भी किए जाते हैं, जैसे कि विद्यार्थियों के संघ में विद्यार्थियों का जो ग्रुप होता है, स्टूडेंट्स यूनियन, फार्मर्स यूनियन किसान का संघ हो गया, ट्रेड यूनियन में जितने भी ट्रेड से जुड़े हुए लोग होते हैं वो करते हैं धरना डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, बिजनेस एसोसिएशन हो गए, टीचर्स एसोसिएशन हो गए, बस ये लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, धरना देते हैं। क्यों करते हैं भाई? तो जनरल में हम लोग देखते थे ये जो ग्रुप्स है वो गवर्नमेंट पे प्रेस करती है, मींस प्रेशर डालती है, ताकि उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो लॉज और जो पॉलिसीज है उनका इन्हांसमेंट हो सके। एंड येट ये लोग खुद से इलेक्शंस को कंटेस्ट नहीं करते हैं, एंड आप इसमें भी सहमत हो चुके होंगे कि ये लोग तो पॉलिटिकल पार्टीज के तो हो नहीं सकते, मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज के होते तो ये इलेक्शंस को कंटेस्ट करते, ये पॉलिटिकल पार्टी से तो एग्जिस्ट नहीं करते, मीन्स ये अलग ग्रह से है। देखिए इनके बारे में हम लोग जानते हैं ये है क्या। Then what are these? In any country, especially a democratic one, there are large number of organized groups which directly or indirectly influence politics and government. The members of such organized groups are united in respect of some specific interest that they tend to advance. For example, the workers of a factory are organized in what is called a trade union to promote their interest. Similarly, there are other organized groups. These are called pressure group or interest groups. What are these pressure groups or interest groups? How do they differ from each other? What role do they play in the political system of our country? Let us discuss that. तो चलिए हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते कि आखिर ये जो प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स है आखिर ये है कि और इनके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो किसी भी कंट्री में, स्पेशली जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं, गवर्नमेंट को प्रभावित करते हैं। जो भी सदस्य होते हैं इस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स के वो एक साथ यूनाइटेड होते हैं, तो इनके कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं एंड उन्हें कुछ एडवांसमेंट चाहिए होता है, दैट्स व्हाई वो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि कोई भी एक वर्कर्स का यूनियन है, जो संघ है, किसी भी फैक्ट्री में काम करता है, ये ऑर्गेनाइज होते हैं एंड ये अपने इंटरेस्ट के लिए अपने ट्रेड यूनियन को प्रमोट करते हैं कि हाँ मेरा ये जो इंटरेस्ट है एंड दैट्स व्हाई मैं धरनास कर रहा हूँ एंड डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। सिमिलरली जो ये अदर ऑर्गेनाइज ग्रुप्स भी उसी प्रकार से होते हैं, चाहे वो बिजनेस एसोसिएशन के हो गए तो उनके अलग इंटरेस्ट होते हैं, टीचर्स एसोसिएशन से होते तो उनके अलग इंटरेस्ट हो गए, स्टूडेंट यूनियंस का अलग इंटरेस्ट हो गया, हमारे फार्मर यूनियंस का अलग इंटरेस्ट हो गया, मीन्स ये लोग जो एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और ये अपने इंटरेस्ट को लेकर ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या धरनास देते हैं एंड इसे हम लोग इसी ग्रुप को हम लोग प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स बोलेंगे। एंड आखिर ये प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स है क्या एंड ये लोग एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है एक दूसरे ग्रुप से एंड इनका क्या रोल है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारे कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सा रोल प्ले करते हैं, चलिए हम लोग इनके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, you can see below the illustration depicting a rally by the Indian National Trade Union Congress, INTUC. INTUC is an organization that can be described both as a pressure group and an interest group. Generally, interest groups and pressure groups are considered synonyms, but they are actually not. Interest groups are organized groups of people who seek to promote their specific interests. Their characteristics are, they are well organized, they have certain common interest, the interest that unites the members is specific and particular. The members of such organized groups seek to attend, protect and promote their interest for which they are united. A pressure group, on the other hand, is an interest group which exerts pressure on the government or the decision makers for the fulfillment of their interests. तो यहाँ पे एक आपका इलस्ट्रेशन बना हुआ है जो कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के द्वारा रैली किया जा रहा है, INTUC। तो आप लोग जैसा कि इलस्ट्रेशन में देख रहे हैं कि इसमें एक रैली को डिपिक्ट किया जा रहा है आपके इलस्ट्रेशन में, जो ये जो रैली है वो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC के द्वारा किया जा रहा है। ये जो INTUC जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसे हम लोग एज अ प्रेशर ग्रुप माने या फिर एन इंटरेस्ट ग्रुप माने, तो ये दोनों का काम करते हैं। जनरली जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं एंड प्रेशर ग्रुप्स हैं, इन्हें क्या कंसीडर किया जाता है कि ये दोनों के पर्यायवाची है, मींस सिनोनिम्स है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। जो इंटरेस्ट ग्रुप्स है वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ पीपल है जो कि प्रमोट करते हैं स्पेसिफिक इंटरेस्ट को एंड इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इनके सर्टेन कॉमन इंटरेस्ट होते हैं,
ये जो इंटरेस्ट है तो इनके मेंबर्स को स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए यूनाइट करता है पार्टिकुलरली, एंड ये जो मेंबर्स है इस ऑर्गेनाइज ग्रुप्स के, वो अटेन करते, प्रोटेक्ट करते एंड प्रमोट करते अपने इंटरेस्ट को, और इस वजह से वो यूनाइटेड भी होते, एक साथ होते. एंड जो प्रेशर ग्रुप है, वहीं पर हम लोग दूसरी तरफ अगर प्रेशर ग्रुप के बारे में बातें करें तो ये एक इंटरेस्ट ग्रुप है जो कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर को एग्जर्ट करती है, मतलब प्रेशर डालती है एंड जो भी डिसीजन मेकर्स होते हैं, ताकि उनके इंटरेस्ट को फुलफिलमेंट किया जा सके, मीन्स फुल किया जा सके. It is important to make a distinction between an interest group and a pressure group. Interest groups may exist without even exerting pressure on the government or the decision makers. A group that does not exert pressure to influence or pressurize the authorities in order to achieve the desired objects is not called a pressure group. An interest group that exerts pressure on the government to achieve its goal is called a pressure group. All pressure groups are interest groups, while all interest groups may not be प्रेशर ग्रुप्स. दी फॉलोइंग डिफरेंसेज बिटवीन दी टू ग्रुप्स आर सिग्निफिकेंट. यस, अगर आपको एग्जाम में डिफ्रेंशिएशन आ जाए कि इंटरेस्ट ग्रुप में और प्रेशर ग्रुप में डिफ्रेंशिएट करो, तो आप कैसे करोगे? इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो इसके बीच मुझे जो भी डिस्टिंक्शन है हमारे इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप में, इसको आप लोग जान लो. जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो एग्जिस्ट कर सकता है बिना प्रेशर के एग्जर्ट किए हुए गवर्नमेंट पे या फिर जो डिसीजन मेकर्स होते हैं. एंड एक जो ग्रुप होता है वो प्रेशर को एग्जर्ट नहीं भी करेगा. एंड जितने भी हमारे हम लोग इस तरह से देखते हैं कि एक ग्रुप है, ठीक है, एंड वो प्रेशर को एग्जर्ट नहीं कर रहा है, ना ही वो अपना कोई भी इन्फ्लुएंस किसी गवर्नमेंट पे या अथॉरिटीज पे डाल रहा है, ना ही कोई वो प्रेशर कर रहा है जिससे उसका जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है जिसको वो अचीव करना चाहता है, तो ये उसके पास है नहीं. तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेशर ग्रुप है. एंड ये जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो प्रेशर डालता है गवर्नमेंट पे ताकि वो अपनी अचीव को अपना जो भी गोल्स उसको अचीव कर सके, एंड इसे हम लोग प्रेशर ग्रुप बोलेंगे. ऐसा इंटरेस्ट ग्रुप जो कि गवर्नमेंट्स पे या डिसीजन मेकर्स पे प्रेशर को एग्जर्ट करते हैं, मींस प्रेशर डालते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उस ग्रुप को हम लोग प्रेशर ग्रुप बोलेंगे. एंड जितने भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो इंटरेस्ट ग्रुप्स बोले जा सकते हैं, लेकिन जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप्स है उन्हें प्रेशर ग्रुप्स नहीं बोला जा सकता. एंड यहाँ पे आपका क्लियरली डिफरेंस किया गया है दोनों ग्रुप्स के बीच में, इंटरेस्ट ग्रुप एज वेल एज प्रेशर ग्रुप. जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो फॉर्मली ऑर्गेनाइज होता है, एंड जो प्रेशर ग्रुप होता है वो स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर्ड होता है. इंटरेस्ट ग्रुप में इंटरेस्ट ओरिएंटेड होता है जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एंड प्रेशर ग्रुप प्रेशर फोकस्ड होता है, मीन्स वो प्रेशर पे फोकस करता है. इंटरेस्ट ग्रुप में मे और मे नॉट इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता भी है या फिर नहीं भी करता है. एंड जो प्रेशर ग्रुप्स है मस्ट इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता ही करता है. इंटरेस्ट ग्रुप है जो कि सॉफ्टवेयर इन आउटलुक है, वेरस जो प्रेशर ग्रुप हमारा है वो हार्शर इन एटीट्यूड है. इंटरेस्ट ग्रुप है जो मोर और लेस प्रोटेक्टिव होता है, वेरस जो प्रेशर ग्रुप है वो प्रोटेक्टिव एज वेल एज प्रोमोटिव भी होता है. वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा. तब तक के लिए इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.